हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनोराज एपेटाइजिंग रेसिपीज में। और आज हम बनाने वाले हैं टेंडली कुंदरू, जो भी आप कहते होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसकी सब्जी। इतने आसान तरीके से, इतने सिंपल तरीके से और इतनी टेस्टी कि आप इसे कोरी ही खा जाएंगे। तो चलिए जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ये रेसिपी बनाना शुरू कर सकें। ये देखिए दोस्तों, ये है कुंदरू, टेंडली, दंडकाय, आप पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए ताकि हमें इसके नए नए नाम पता चल सकें। मैंने यहाँ पे इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है और अब मैं इन्हें अच्छी तरह से काटने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर और नीचे से जो भाग है उनको काट दे रही हूँ और इकट्ठा कर ले रही हूँ। मैं एक साथ में चार चार पाँच पाँच कुंदरू को एक साथ काटूंगी ताकि मेरा समय ज़्यादा ज़ाया ना जाए और एक अच्छे शेप में मेरी कुंदरू कट जाए। ये देखिए, मैंने पाँच कुंदरू को इस तरह से पकड़ लिया है और चाकू की सहायता से इस तरह से गोल 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 काट रही हूँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको चॉपिंग इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसी तरह से चॉप करने पर आपकी जो ये सब्जी है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है। इसीलिए जितना हो सके उतना पतला पतला आपको इस टेंडली को काटना होगा। चॉपिंग दिखाने का एक उद्देश्य ये भी है कि देखिए, आपको टेंडली में ना ऐसे लाल लाल रंग की टेंडली मिलेगी तो इन्हें नहीं लेना है। हाँ, थोड़ा कम कम लाल है तो आप उसको ले सकते हैं, उसके बीज यदि कड़क नहीं है तो आप उसको ले सकते हैं। और इस तरह से इस टेंसी को आपको काटना है। आपको इसमें हल्की हल्की लाल टेंसी दिखाई दे रही होगी लेकिन ये चलेगी, लेकिन कड़क बीज वाली टेंडली ना डालिएगा वरना वो आपके मुँह में आएगा तो ख़राब लगेगा। अब इसी के साथ में हम और दूसरी चॉपिंग भी कर लेते, जैसे हमारी टेंडली में जाने वाली है हरी मिर्ची और लहसुन, तो हम इन्हें भी अच्छी तरह से छील धो करके काट लेते हैं। मिर्ची और लहसुन को भी मैं इसी तरह से गोल गोल बारीक बारीक काट ले रही हूँ ताकि ये हमारा जो टेंडली का शेप है उससे मैच कर जाए। तीखा आप यदि ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा हरी मिर्ची भी इसमें काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम इसमें लाल मिर्च भी डालने वाले हैं तो उस हिसाब से आप हरी मिर्ची लीजिएगा। लीजिए, इसी के साथ हमारा जो चॉपिंग वाला हिस्सा है वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बघार लगाते हैं। बघार लगाने के लिए मैंने यहाँ चढ़ा दी फिर से मेरी वही फेवरेट वाली कढ़ाई और अब मैं इसमें डालूंगी तेल। मुझे नॉनस्टिक पैन से ज़्यादा इस कढ़ाई में खाना बनाना पसंद है। नॉनस्टिक पैन में वीडियो बनाने में वो सुंदर दिखता है लेकिन मुझे खाना तो इसी में पसंद है, इसीलिए मैं इसी कढ़ाई में आप लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। इस दो बड़े चम्मच तेल के अच्छी तरह गर्म हो जाने पर अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन और इसकी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने के बाद में हम डालेंगे इसमें हमारी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। और अब मिर्ची के भी पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारी बारीक कटी हुई गोल गोल कटी हुई कुंदरू को। अब हम इसे बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल लेते हैं हमारे सूखे मसाले, जिसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक के साथ साथ इसमें मैं बाकी सूखे मसालों को भी ऐड कर दूंगी, जैसे यहाँ मैं डाल रही हूँ लगभग आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा मिर्च डाल रही हूँ लेकिन आप कम मिर्च डाल खाते हैं तो कम मिर्च लीजिएगा और भूलिएगा नहीं कि हमने हरी मिर्च भी डाला हुआ है। अब मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच के करीब हल्दी और 3/4 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। अब इन सारे मसालों को डालने के बाद मैं एक बार फिर से अपनी कुंदरू को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, जिससे सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अब मैं इसे ढक ढक के अच्छी तरह से पका लूँगी। अच्छी तरह से पकाना ही इस सब्जी का मेन सीक्रेट है अच्छा बनाने का। तो दोस्तों, इसे अच्छी तरह से पकाने में कंजूसी बिल्कुल ना करिएगा, ये ना सोचिएगा कि बस ये पक गई है अब हम इसको गैस को बंद कर दें। नहीं, इसे थोड़ी देर अच्छी तरह से पकने दीजिए, मसालों को और कुंदरू को तेल को अच्छी तरह से अलग होने दीजिए। एक एक कुंदरू को हल्का हल्का सा
जो सिकने वाला जो शेप आ जाएगा ना, तब तक इसको पकाते रहिएगा, क्योंकि उसके बाद इसका जो स्वाद निकल कर आएगा ना, वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मत सोचिएगा कि बस हो गया हमारा काम ख़त्म, नहीं, ऐसे में फिर वो आपको सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो लीजिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी टेंडली की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, और इसे आप कोरी भी खा कर देखेंगे ना तो इतना बढ़िया स्वाद लगेगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। एक बार आप ट्राई कीजिए, बनाइए, कैसी लगी मुझे भी बताइए। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।